नमस्कार, मैं हूं एंकर मोनी। आप देख रहे हैं सबकी नज़र। आइए नज़र डालते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज के हड़िया तहसील क्षेत्र के मंडवा तिराहा पर 10 दिनों से चल रही बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। फाइनल मैच में राज ऑटोमोबाइल सैदहा एवं किशुनीपुर के बीच खेला गया। मैच बड़ा ही रोमांचक था, जहाँ पर राज ऑटोमोबाइल्स ने किशुनीपुर को हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। दोनों टीमों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कांग्रेसी नेता संजय तिवारी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में दर्शकों का जमावड़ा लगा रहा। सबकी नज़र के लिए पेश है राम प्रसाद यादव की खास रिपोर्ट। राजनीतिक सोच ही नहीं है यहाँ के होने वाले विधायकों को, और उतनी योग्यता भी नहीं। प्रतापपुर में जो भी आया वो बाहरी आया और यहाँ से आपका वोट खरीद कर ले गया या चुरा कर ले गया, दोबारा लौट के न दुख में आया न सुख में आया। नौजवान यहाँ का बहुत जागरूक है। इसके पहले जब श्री श्याम सुंदर उपाध्याय जी मंत्री थे, तो उन्होंने स्टेडियम ही नहीं इफको जैसे कारखाना रोजगार के लिए उन्होंने पैदा किया और तमाम और संस्थाएं उन्होंने पैदा किया। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन का युग आया, जब से सचिन तेंदुलकर का युग आया, तो नौजवानों को खुद अपना मुद्दा बनाना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने विधायक को चुनना है। पहली बात तो योग्यता का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी के लोग निकले हुए आए हैं, हमारी ये सोच है कि हम नौजवानों को खेल खिलाड़ी बनाएं। पहले ये होता था खेलोगे कूदोगे कि तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। अब उलट गया है, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब। अब उल्टा हो गया है। तो नौजवान अब जागरूक हो गया है और टीवी और आप जैसे जागरूक संवाददाताओं के चैनल देखकर नौजवान खुद सचिन तेंदुलकर और कैप बनना चाहता है। तो आने वाले दिनों में यहाँ पे एक बड़ा स्टेडियम की ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे ज़्यादा विधानसभा में नौजवानों की संख्या है, इसको चुनावी मुद्दा हम लोग बनाएंगे और शासन प्रशासन और केंद्र प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि एक बड़ा स्टेडियम प्रतापपुर क्षेत्र में बनाया जाए, जिससे कि खेल कूद होना भी चाहिए और पढ़ाई लिखाई तभी होती है जब सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास में खेल कूद शामिल है। और किसी भी स्कूल में किसी भी कॉलेज में स्टेडियम के लिए मान्यता के लिए जगह तो लिया जाता है, लेकिन स्कूलों ने भी वो पैमाना नहीं बनाया कि जहाँ पर खेल कूद हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, यही तो रोमांचक राजनीति में भी होना चाहिए, खेल में भी यही, ये पढ़ाई है, स्वस्थ परंपरा है। और क्रिकेट तो भले और सज्जन पुरुषों का खेल है, अनुशासन का खेल है। और इस रोमांचक मोड़ पर भी आपने देखा कि हर आदमी अपने उद्देश्य पे लगा है। बॉलर फेंक रहा है कि स्टंप उड़ाएंगे और अगला देख रहा है कि हम छक्का, जिसने जीता उसको बधाई।